बोली लक्ष्मण नजर नीचे कर गए, राम से कही भैया ये तो बड़ी बुरी बुरी कहती है, और भैया तुम बुरी में मानो तो मैं कछु कह लू। राम ने कही तुम रहते हो इनसे का पार फट जाएगी, तुम ना कहोगे कछु मत कहो। लक्ष्मण ने कही भैया चेना है पढ़ लो, तुम कह रहे हो कि मैं कह लू कहा कहोगे कह दे। लक्ष्मण उठ के ठाणी भाई भैया उंगलिया हमारे लग कर दी तुमने, और देखो ये बात हकीकत है, इंसान दूसरे की तरफ उंगली करता है, कभी दूसरे की तरफ उंगली करके देखना, हाथ की पोजीशन बना करके देखना, तो तीन उंगलियां अपैलन है जाती हैं। क्यों? एक बार किसी की तरफ उंगली करने से पहले ये उंगलियां इशारा करती हैं, तीन बार अपनी ओर सोचो, तीन बार अपनी ओर सोचो। लक्ष्मण ने कही माता ही हमारा बालक तीर खा लेते है जाता है, और तुम्हारा अपना की पतो बोले सीता पृथ्वी से तो पैदा वहीं सुपरावर है गए, चारों पुत्र बधुओं को लेकर के दशरथ महाराज पहुंच गए अपने नगर अयोध्या में। तो मौ दिखरौनी को नंबर वाओ, मौ दिखरौनी को नंबर वाओ, सीता की मौ दिखरौनी वहीं। सबसे पहले सुमित्रा आई जो छोटी सास होती, सीता के मौ दिखरौनी में बहुत सुंदर सोने की चूड़ा मड़ दे गए। ताके बाद में बीच वाली सास को नंबर वाओ के कई बढ़ी आगे मौ दिखरौनी में सोने वो भवन ले गए। अब नंबर वाओ असली सास को, सब कहेंगे आगे बढ़ो और कौशल्या मैया पाए पीछे सरकाए रहे धीरे धीरे लंका मात्र मात्र आगे लंकते चलो यो। और जब कौशल्या आगे कर नहीं जन्नी पंडी में सीता को घूंघट पकड़ के बैठी पीछे दे कहीं के कहीं ने जल्दी करो लाइन बहुत लंबी है
वे विचार कर रही हैं, वे चूड़ा बन दे गई, वे सोने को भवन दे गई, हम मैं का दे दूं। फिर पीछे देव आ जाएगी, जल्दी करो। तो कौशल्या ने की सीता, अब मैं का दे दूं तो मैं मोद करो नहीं मैं पर राम दे दो। एक दिन दशरथ महाराज ने ये विचार बनाया, आज हम ये देखेंगे चारों पुत्र वधुओं में कौन सबसे ज्यादा तेज है, कौन सबसे ज्यादा सुंदर है। देखो, नारी जाति की सुंदरताई की पहचान ताई पे होते मालूम है, ऐसे थोड़ा ही होते हैं कि सवेरे उठो और इस रोज से मुंह धो खूब सो पोड़ ले मुंह पे पोत ले। नारी जाति की सुंदरता की जांच होती है भोजन पे। दशरथ महाराज ने आदेश दिया आनंद में कि मैं भोजन करना चाहता हूं, तो चारों पुत्र वधुएं अपनी अपनी रसोई के लिए बड़ी हैं, भोजन बनाए करे। और सबके मन में विचार का है कि जो सबसे पहले भोजन बनाए के ले जाएगी पिताजी भाई सबसे ज्यादा विद्वान और तेज और सुंदर मानेंगे। बीच आंगन में बैठ गए चौकीदार के दशरथ महाराज और चारों बहुएं जब भोजन बनाए के लिए तैयार बने, तो सबसे पहले भोजन बनाए के लाई कौन सी बहू, देखिए विधि का विधान। अरे शत्रु धन की पत्नी है, जन भोजन लयो बनाई है। बड़ी बहू सीता सबसे सीधी है,
छोटा। अगर काऊ भोजन दो तो पहले पानी जरूर दो, और आज के जमाने में 20% पानी कब दो जाते है, जब भोजन खबैया के जहां तक जाते है। अब आज मैं यहाँ से इशारा करते हैं हाथ से, क्या संकेत कर रही है सीता? भोजन दे तो संत पानी, एक हाथ पे भोजन को थाल लेके चली और एक पे लोटा। बढ़ी आगे, अरे एक हाथ पे थाल रखो और एक पे लोटा लाई है। बढ़ी आगे तो आई नहीं, सैया भी तो रखी आई है। आधी का झोंका आया, आधी के झोंका से आनंद में तिनका उड़ करके भोजन में गिर गया। अब दो हाथ घेरे हुए थे, एक पे थाली और एक पे लोटा। विचार कर रही है ऐसी जान तो पिताजी जी कहेंगे कैसी है सीता, क्या भोजन बनाए वो सब ना आए और लौट जाओ तो जी पूछेंगे निकल के आई भोजन लेके जब लौट के हुए खड़ी भाई, और जैसी खड़ी भाई करो का आगे सही लगे ना बड़े प्यारी देवता जी भोजन चल रहे हैं। सीता पहले मोहित जी बताए भोजन लेके निकली आई तो रास्ता में ठाणी के भाई रुकी काहे के में, पिताजी तिनका गिर गया था भोजन में, मैंने आंख की अग्नि से जला दिया भोजन फैले पिताजी। महाराज बोले सीता ने तेरे हाथ का भोजन नहीं खाया, क्यों पिताजी? काहे को? भोजन तो खा लूंगा मैं, अगर सीता तो राम की किस्म खाएगी कहे जो मैं मांगूंगा वो तुम्हें दे देगी, ना ही नहीं करेगी। सीता ने कही मांगो, और जनक महाराज की बेटी बोली मांगो, और दशरथ विचार का कर रहे कि जाने आंख की अग्नि दे तिनका जला दिया है, जाके आंख हिंते अगर आंच नहीं करते हैं तरके मारे नवल कोई हिंदा मारेगी दशरथ महाराज की, क्यों? अरे जब सीता की बात सुनी अगर जाकी आंख पे अग्नि निकलते तो फिर बेटा राम जिंदा नहीं रहेगा, क्यों? पति पत्नी में टकराव तो है ही जाते, और काल दिमाग नेक करवे करके मैं राम में चिताई गई तो राम जिंदा नहीं रहेगा। तो बोले सीता मैं तेरे हाथ का भोजन नहीं करूंगा, और भोजन का तू वो खबाए वो चाहते तो अब
पे पति राम की कसम खा करके कहे, कसम दे जा कि जो मैं मांगूंगा वो तू तैरेगी, मना नहीं करेगी। सीता ने अपने पति राम की कसम खाई, मांगो जो मांगोगे पिताजी हम वही देंगे। जैसी राम की कसम सही सीता ने, तो दशरथ महाराज का बोले, सुन नहीं जगाएगी। आप लोगों ने देखा होगा टेलीविजन पे सीता का जब हरण हुआ था, रावण चुरा ले गया। अशोक वाटिका में जब जब रावण आता था तो सीता बीच में तिनका ला के बात करती, तो रावण कहते तिनका के समान मानते है? वो तिनका के समान समझते है? तो मन में कहती थी सीता, तो तिनका के समान ना समझ रही। अगर ये तिनका बाधा भोजन में तैरी नहीं हो तो तू कितनी देर मेरे सामने खड़ा नहीं होगा। गोविंद भगवान की ये कहा, पिताजी जब तक जीवित रहूंगी मैं अपने पति राम की सौगंध खा करके कहती हूं कभी ये शक्ति दोबारा प्रयोग नहीं करूंगी। मेरे भगवत श्रोताओ, धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। एक दिन दशरथ महाराज ने अपने गुरु वशिष्ठ से कहा, गुरुजी मैं राम को राय तलक करना चाहता हूं। सुब दीक्षा दो। वशिष्ठ ने कही, दशरथ जागना, राम कौन राज तिलक कर दो, बे शुभ दिन है, छाटने का जरूरत है। राम के राज तिलक की तैयारी चल रही है अयोध्या में, और इतने राम केकई के जोरा आए के बैठ गए और बोले, मैया जे अयोध्या काय को सजाई जा रही है, इतनी खुशी काय को मनाई जा रही है। केकई ने कही, ललक तुझे ना मालूम? नहीं मैया, मुझे ना मालूम, तुम्हारा राज तिलक होएगो, राजा बनोगे तुम। राम ने कही, मैया मेरो राज तिलक, और मैया मुझे बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी है मुझे। केकई ने कही, लला बीमारी तो तुमने पिताजी से नहीं कही, इलाज करवाते। राम ने कही, पिताजी से काय को कह दो, भैया मेरी बीमारी की दवाई तो टोप है। केकई राम से बहुत प्रेम करती थी, प्रमाण अलग अलग हैं, कुछ प्रमाण ये भी मिलता है केकई राम से घृणा करती थी, लेकिन केकई राम से बहुत प्यार करती थी। लला मेरे लला को बीमारी हो और दवाई महतारी पर हो, तू बता बता का बीमारी है तुम्हें और का दवाई है मुंह पे, जल्दी बता, बेचैन है कहीं केकई मैया। राम ने कही, मां बताए तो तुम पर बीमारी का है, पत्तों पर दवाई का है, तो तुम्हें किसम खाया, मैं तो पे मांगो से तुम्हें दवाई दे देगी, काउ से कहेगी ना है। से के कही के तो हाथ ना दे चंदे पे ला तेरी किसम पर, बता तो का बीमारी है। तो राम का बोले, मां
इसलिए मां वो शक्ति तेरे पास है। मैया के कई को भवन में पहुंच गई, को भवन में। दशरथ महाराज को जब ये पता लगा कि को भवन में रूठी बैठी है के कई